और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि उन्हें भारत को पूरी दुनिया में एक स्थान दिलाना है, और आज के जमाने में अगर कोई व्यक्तित्व है तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ये कहना है गायक आदित्य गढ़वी का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी एक अनसुनी कहानी आदित्य गढ़वी की जुबानी। हे गोतिलो तम गोतिलो 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 तम गोतिलो गोतिलो 2014 से पहले की है, जब यहाँ पे मोदी साहब मुख्यमंत्री थे और मेरी उम्र थी शायद 18-19 साल। गाने का शौक था पहले से, तो बहुत सारे रियलिटी शोज में मैं पार्ट लेता था। उस दिन मुझे याद है हमारे मुख्यमंत्री है ये मैं जानता था और उनके काम के बारे में मैं जानता था, लेकिन मैं मिला नहीं था। हमारा कार्यक्रम चल रहा था, मोदी जी आए और जिस तरह से वो आते हैं और लोग उनको तालियां होती है, मोदी मोदी होता है, वो सब हुआ। और हमारा शो जैसे ही ख़त्म हुआ तो मेरे पापा ने कहा कि तुझे मिलना है मोदी जी से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैं मेंटली ऐसा प्रिपेयर कर रहा था कि मुझे अपना परिचय देना होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जैसे ही स्टेज पे गया और मैं उनके पास आया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और हाथ आगे बढ़ा के कहा शूझे बेटम जी। तुरंत ही उन्होंने कहा कि तै तो भाई झंडो फहराई दी तो गुजरात नो बना जाए कि नहीं ला उनकी एक फनी स्टाइल में उन्होंने कहा कि पढ़ता है कि नहीं। उनका एक एक एम है, एक ध्येय है कि भारत को एक एक स्थान उन्हें दिलाना है। अगर कोई व्यक्तित्व आज के ज़माने में है तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये जो विजन उनके पास है वो बहुत बढ़िया है कि रण तो है चलिए क्या करेंगे, लेकिन वो रणोत्सव शुरू करना, लोग पूरे भारत में से पूरे विश्व में से वहाँ आए और कच्छ के साथ जुड़े, कच्छ की संस्कृति के साथ जुड़े। मोदी जी का ये जो थॉट है रण उत्सव का और रण को हाईलाइट करने का, ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना फोर्स है।